वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद में श्रृंगार गौरी का जो मामला था, राखी सिंह समेत पांच महिलाओं ने जो केस दाखिल किया था, वो मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। आज इस मामले में सुनवाई हुई, आज की सुनवाई में क्या कुछ हुआ उस बारे में बात करते हैं। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन जी हमारे साथ हैं। सर, क्या पूरा मामला था और आज क्या हुआ? देखिए, जैसे कि हम सबको पता है कि 12 सितंबर 2022 को माननीय जिला जज वाराणसी ने ऐतिहासिक फैसला पारित करके ये होल्ड किया था कि ये जो पूजा के अधिकार का मसला है, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वफ एक्ट से बाधित नहीं है। आज उस फैसले को अंजुमन इंतज़ामिया ने, मस्जिद कमेटी के वकीलों ने यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। आज इसकी सुनवाई लगी थी ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जे मुनीर की कोर्ट में। माननीय न्यायालय के समक्ष जो मस्जिद कमेटी के वकील हैं, वो कुछ समय मांग रहे थे कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल करने के लिए, तो माननीय न्यायालय ने इसको परसों के लिए, मतलब 19 अक्टूबर को 2 बजे सुनवाई के लिए रखा है। और इन द मीन टाइम डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी को निर्देशित किया है कि इस केस का जितना रिकॉर्ड है वो फोटोकॉपी करके, उसकी सर्टिफाइड कॉपी सर्टिफाई करके माननीय न्यायालय के समक्ष रखें। और अब इसकी अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को 2 बजे होगी। ये बताइए कि मस्जिद कमेटी की तरफ से किस आधार पर इसको चुनौती दी गई, क्योंकि पूरे मामले की सुनवाई जिला जज की कोर्ट में तो हो ही चुकी थी, अब वो कौन से नए तथ्य पेश कर रहे हैं? कोई नए तथ्य नहीं है। उनका यही कहना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस देश के सेकुलरिज्म का बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण है, और ये जो केस है पूजा के अधिकार का है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित है और वफ एक्ट से बाधित है, क्योंकि ऑलरेडी उनके जो बादशाह आलमगीर थे वो उसको वफ कर चुके हैं, इसीलिए ये केस सिविल कोर्ट में नहीं चल सकता है। इन दो आधारों पे उन्होंने यहाँ पे माननीय न्यायालय के सामने चुनौती दी है। आधार उनके कोई नए नहीं है, आधार वही है जो माननीय डिस्ट्रिक्ट जज साहब के सामने थे, बस उनको एक अधिकार है रिविजन फाइल करने का जो उन्होंने फाइल किया। अच्छा, वाराणसी की अदालत में जब ये मामला चल रहा था तो आप लोगों की तरफ से कहा गया कि ये जो पूरा मामला है ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में नहीं आता है, डिस्ट्रिक्ट जज ने उसको माना भी और फैसला आपके हक में दिया था। अब यहाँ आप लोग क्या दलीलें देंगे, क्या आधार रखें? अब देखिए, हम क्या दलीलें देंगे वो तो अभी मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूँ। एक बार हम पहले अपने जो विपक्षी हैं उनका आर्गूमेंट सुन लें, उसके बाद हम अपने पॉइंट्स रखेंगे, और जो भी पॉइंट्स रखेंगे आपको डेफिनेटली आगे ब्रीफ करेंगे। विष्णु जैन साहब ये बता रहे थे कि क्या पूरा आज हुआ इस मामले में, और वो ये बता रहे हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से पूरे रिकॉर्ड जो है वो समन कर लिए हैं, और 19 तारीख को यानी परसों दोपहर 2 बजे इस मामले में फिर से सुनवाई होगी। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, ABP गंगा, प्रयागराज।